हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस फोर्थ सेशन में हम बात करेंगे मेन रिले को। मेन रिले किस तरह से ऑपरेट होती है और मेन रिले की जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो प्रॉपर आज मेन रिले की जानकारी लेंगे, मेन रिले की फुल वायरिंग डायग्राम पर डिस्कस करेंगे कि भाई मेन रिले किस तरह से ऑपरेट होगी, कहाँ कहाँ पर इसका जो है वायरिंग जाएगी, कहाँ कहाँ पर इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। क्योंकि अगर मेन रिले काम नहीं करती तो हमारा इंजन भी स्टार्ट नहीं होता। तो वही चीज़ हमें देखनी है कि भाई जो मेन रिले है वो सप्लाई कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक बात गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि अभी जो सेशन है, अभी बहुत बेसिक सेशन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेशन, क्योंकि अभी हम वायरिंग के डायग्राम्स पे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद जब एडवांस वायरिंग पे और जब ईसीएम के कंपोनेंट्स पे, ईसीएम पे और जो कार के अदर कंपोनेंट्स हैं, हर चीज़ की ओवरहॉलिंग, लाइक एक्सीलेटर पेडल सेंसर के अंदर क्या है, थ्रोटल के अंदर क्या है, ठीक है, ऑटो सेंसर के अंदर क्या लगाया गया, वीवीटी सोलेनोइड के अंदर क्या है, तो जब इन सब पे एडवांस लेवल पे बात करेंगे तो उस समय आपको जो बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं वायरिंग डायग्राम को। और गाइस, हमारे चैनल पे मेंबरशिप ओपन हो गई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिग अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। तो गाइस, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा महंगा चार्जेस का कुछ नहीं है, एक दिन की जो खर्च से भी बहुत कम रखा है। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। और चलिए देखते हैं गाइस मेन रिले को, कि मेन रिले की सप्लाई किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। गाइस, आने वाले टाइम में हम ये चीज़, क्योंकि जो भी DTC होते हैं, जो फॉल्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर भाई केमसॉट पोजीशन टाइमिंग एडवांस सिस्टम परफॉर्मेंस का आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जितने भी यहाँ पर DTC फॉल्ट कोड है, जब भी एडवांस लेवल होंगे तो, क्योंकि यहाँ पर सब DTC मिलेंगे आपको, तो ये सब DTC हैं, ऑटो गियर के सब जो भी सिस्टम होता है हमारी कार के अंदर, या ये वाला अगर आपका जो स्पॉनर लाइट आ रहा है तो वो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सा जो भी आपका DTC होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो जो लेवल्स होंगे उन सब के अंदर ये चीज़ जो है कवर की जाएगी यहाँ से प्रॉपर तरीके से। तो हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा उसकी, प्रॉपर जो भी जिस भी वजह से वो कोड आ रहा होगा वो चीज़, और क्यों वो कोड आएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी हम एडवांस में चलेंगे तो एडवांस में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं डायग्राम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेन रिले ऑपरेट किस तरह से होगी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेन रिले किस तरह से ऑपरेट होती है। क्योंकि अगर मेन रिले वर्क नहीं करती तो ना तो हमारे इंजेक्टर वर्क करेंगे, ना हमारी इग्निशन कॉइल वर्क करेगी, और जो जो भी इंजन को स्टार्टिंग करने में, इंजन को स्टार्ट करने में, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उन पर आपकी सप्लाई जो है रुक जाएगी। तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मेन रिले ऑपरेट कैसे होगी। तो मेन रिले को ऑपरेट करने के लिए एक तो 12 वोल्ट चाहिए। रिले का तो वही फंक्शन है कि रिले को किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। जैसे हमें 12 वोल्ट मिले, ठीक है, एक 12 वोल्ट जाएंगे लोड के लिए, और यही 12 वोल्ट कंपनी ने यहाँ से यहाँ निकाल दिए। हो सकता है कि कंपनी दूसरी जगह से भी ये चीज़, ये वाले यहाँ पर वोल्टेज दे दे, ठीक है। तो हमें ये तीन चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि 87 हमारा जो है लोड है वो तो जाएगा लोड पे, तो वो उस पिन की कोई बात नहीं है। तो जो हमारा 30 पिन होगी उस पर आप 12 वोल्ट चेक करना है, और उसकी जो 86 पिन होगी उस पर भी हमें जो है 12 वोल्ट चेक करना है। क्योंकि 86 और 85 पिन पे जो ग्राउंड आएगा उससे जो मैग्नेट बनता है वो मैग्नेट लगेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से यहाँ के जो 12 वोल्ट होंगे वो इस पॉइंट से रिलीज हो जाएंगे, और वो जो है ईसीयू के लिए भी जाएंगे। क्योंकि मेन रिले का वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मेन रिले वर्क करेगी तभी ईसीएम के लिए जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये 87 पिन जो है ये लोड के लिए है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट शॉक पंप के लिए, इंजेक्टर्स के लिए, और यहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम के लिए। तो यही, और यही यहाँ से, क्योंकि ये जाएगा फ्यूज बॉक्स में, और फ्यूज बॉक्स से जो है फ्यूज, एक एक फ्यूज के थ्रू ये बन के सप्लाइयाँ निकलेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईशियम के अंदर भी जो तीन सप्लाई आ रही हैं ये मेन रिले से ही निकल रही हैं ये तीनों, ठीक है। तो मेन रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन रिले को ग्राउंड कैसे आएगा, तो जैसे ही यहाँ से आप देख सकते हैं ये EMS के अंदर ये तीन ग्राउंड है, ये क्योंकि ये बैटरी का माइनस पोल है, यानी कि कहीं से भी दे सकता है ये इसको तीन ग्राउंड बॉडी से, तो बॉडी के तीन ग्राउंड ईसीएम में जाएंगे। तो क्या होगा, ईसीएम जब ये ग्राउंड पास करेगा, जब ईसीएम ये ग्राउंड पास कर देगा तो यहाँ पे 85 पिन पे जो है ग्राउंड ग्राउंड आ जाएगा। 86 पे ऑलरेडी 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैग्नेट बनते ये पॉइंट लगेगा, तो फिर ईसीयू जो है ऑपरेट हो जाएगा, और ये फंक्शन ऑपरेट होते फिर आप जो है आपकी कार काम करने लगती है, ठीक है, इंजन।
अगर गाइस इसकी और सप्लाई की बात करें कि भाई मेंडले और कहाँ कहाँ पर सप्लाई देता है, तो ये बात तो होगी मेंडले को ऑपरेट करने की, ये चीज़ ध्यान रखनी कि ईच से मेंडले को ग्राउंड आएगा, ठीक है। और अगर अब इसकी दूसरी बात करें गाइस कि भाई मेंडले की सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाती है, तो मेंडले की सप्लाई ये सेम फंक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई ईच को ग्राउंड आ रहा है, मेंडले एक्टिवेट हुआ, उसके बाद मेंडले का जो है 7.5 एम्पियर का फ्यूज लिया, यानी कि 7.5 एम्पियर्स का। और यहाँ पर जो इंजेक्टर को, इंजेक्टर पर दो वायर होती हैं, एक वायर जो है ईसीएम से आती है और एक वायर जो है 12 वोल्ट मेनिले से आता है। तो आप एक पिन पर 12 वोल्ट चेक करिए और एक पिन पर जो है पल्स आती है नेगेटिव रूप में, ठीक है, जो ईसी जो आपका इंजेक्टर को स्प्रे स्प्रे करता है, यानी कि इंजेक्टर का सोलेनाइड ओपन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बात की कि इंजेक्टर के लिए भी मेनिले की सप्लाई जा रही है, यहाँ पर अगर बात करें तो इग्निशन कॉइल के लिए भी मेनिले की सप्लाई जा रही है, मेनिले और सेम प्रोसेस, ग्राउंड आया, रिले एक्टिवेट हुआ और रिले से जो है 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा और इधर से जो है ये इन्होंने सप्लाई निकाल दी, ठीक है गाइस। तो मेन रिले जो है, मेन रिले की सप्लाई मेन है, अगर मेन रिले काम नहीं करेगी तो आपका ना तो ईसीयू ऑपरेट होगा और ना ही आपका जो है कोई भी, क्योंकि ईसीयू ऑपरेट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी आपका जो है इंजन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेन रिले है, अगर मेन रिले पे ईसीयू ग्राउंड नहीं देगा तो मेन रिले ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली है, जब भी हम मेन रिले पे चेक करेंगे तो ईसीयू से हम ग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रोसीजर है, हमें 86 पिन पे भी 12 वोल्ट चाहिए और 30 पिन पे भी 12 वोल्ट चाहिए। अगर 2 12 वोल्ट यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं और ईसीयू से ग्राउंड आ रहा है तो आपकी रिले जो है एक्टिवेट हो जाएगी। कई बार क्या होता है ईसीयू ग्राउंड नहीं देता, तो हम जो मेन रिले को चेक करेंगे तो वो ये चेक करेंगे कि भाई ईसीयू से ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो होपफुली गाइज आपको जो मेन रिले की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मेन रिले में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत बेसिक सा है कि भाई मेन रिले इस तरह से ऑपरेट हो रही है और जो इसकी सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी आज हमें पता चल गया, ठीक है। तो होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गुड लर्निंग के लिए गाइस आप जो है हमारा ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सो ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।